Assalamu alaikum everyone. Today I am making this super delicious crispy potato balls. जिसको बनाने के लिए 20 minutes भी नहीं लगेंगे. ये बहुत ही crispy और मज़ेदार बनते हैं. आप इसे ज़रूर try कीजिएगा. यह आप बच्चों के lunch box में भी easily दे सकते हैं. रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें. Now let's start the recipe. आलू लिए हैं 3 boiled. मैशर की मदद से इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे. जब तक ये पूरी अच्छी तरीके से मैश ना हो जाए. नाउ अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया. नाउ इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है. पहले स्पून की हेल्प से मिक्स किया है, लेकिन फिर मुझे बाद में हाथ इसमें लगाना ही पड़ा. इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने. उसके बाद इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे. हाथों को आप ग्रीस कर लीजिएगा ताकि ईजिली आपके बॉल्स बन जाएँ. ये देखें, सारे इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हमने बहुत प्यार से. अब स्टिक लेंगे, स्टिक की हेल्प से इन सारे पोटैटो बॉल्स को स्टिक में लगाएंगे. कुछ डेज के लिए इसे फ्रिज भी कर सकते हैं. अब पैन लिया है, ऑयल डाला है उसमें. ऑयल गर्म करके उन स्टिक्स को हम पैन में डालेंगे और इसको जब तक नहीं पलटना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. अब इसे हल्का सा पलट कर देखा है, ये लाइट ब्राउन हो गया है. तो अब हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड से भी. अच्छा सा इसको फ्राई करना है. ये देखें, बहुत प्यार से कलर आ गया हमारा. अभी हम इसे अच्छी तरीके से छान कर निकाल लेंगे ताकि ऑयल सारा निकल जाए. ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे. अब इसे सर्व किया है मैंने बारबेक्यू सॉस के साथ. आप किसी भी सॉस के साथ या फिर केचप और मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं. आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. इट टेस्ट अमेजिंग.